नमस्कार, DNX धर्म कर्म में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की। हिंदू पौराणिक मान्यता अनुसार पूरे साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। इनमें से चैत्र नवरात्रि एवं कुंवार नवरात्रि के बारे में हम सभी जानते हैं। हम सभी इन दोनों नवरात्रियों से परिचित हैं। इन दिनों में पूरे 9 दिन घट स्थापना कर देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्र के प्रतिपदा तिथि से तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी गई है, परंतु हम आपको बता दें, इन दो नवरात्रियों के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में आम गृहस्थ बाकी नवरात्रि की तरह पूजा पाठ नहीं करते, परंतु इन 9 तिथियों का विशेष तांत्रिक महत्व है। इसीलिए अधिकांश लोग इन दो नवरात्रि के बारे में नहीं जानते। आइए जानें आज DNX धर्म कर्म में कब पड़ती है ये 2 नवरात्रि, जिन्हें कहते हैं गुप्त नवरात्रि। विशेष तांत्रिक महत्व की इन 9 गुप्त तिथियों के बारे में आज हम जानेंगे DNX धर्म कर्म में। माघ मास के प्रथम 15 दिनों शुक्ल पक्ष के प्रथम 9 दिन एवं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के प्रथम 9 दिन अर्थात प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार प्रथम गुप्त नवरात्रि माघ मास अर्थात जनवरी फरवरी महीने में पड़ती है और द्वितीय गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास अर्थात जुलाई अगस्त के महीने में पड़ती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। इसी तरीके से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि तक दूसरा गुप्त नवरात्रि मनाया जाता है। नवरात्रि में प्रतिपदा से लेकर नौमी तक की तिथियों में देवी के 9 रूपों के पूजन का, विशेषकर तांत्रिक पूजन का, वैसा ही विधान है जैसे चैत्र और कुंवार नवरात्र में है। चैत्र और कुंवार नवरात्र में हम क्रमशः देवी के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इन 9 रूपों की पूजा करते हैं। परंतु गुप्त नवरात्रि में इनके साथ ही 10 महाविद्या देवियों की पूजा का भी विधान है। इन 10 महाविद्या देवियों में तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, भूमावती एवं बगलामुखी माता है। इन 10 महाविद्या देवियों का विशेष तांत्रिक पूजन का विधान है इन गुप्त नवरात्रियों में। गुप्त नवरात्र पर तंत्र साधना, जादू टोना, वशीकरण आदि चीज़ों के लिए विशेष महत्व का होता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकलती है। तो ये थी गुप्त नवरात्रि की बातें। नवरात्रि के 9 दिनों की महत्ता एवं पूजन विधान के लिए आप देखें हमारे अन्य वीडियो DNX धर्म कर्म में।